सो फ्रेंड्स, आपको भी यही प्रॉब्लम आती ही होगी कि जब आप टेप निकालते हो तब वो आपको मिलती नहीं है जब आप नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए होते हैं। तो फिर आज मैं आपको एक टेप डिस्पेंसर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट पहले कार्डबोर्ड है। पहले हम टेप लेंगे और उसके इनर पार्ट को कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे और उसके इनर पार्ट में ड्रॉ कर देंगे। कुछ ऐसे ऐसा हमें दो बनाना है। अब हम इन्हें कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने दोनों के दोनों सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब हमें एक ग्लू गन चाहिए। हमें क्या करना है, इसके एज पे या तो इसके एज पे ग्लू लगाना है और ऐसे करके पेस्ट कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड बड़ी सफाई से इसे पेस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसके एकदम सेंटर पे एक होल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा होल किया है। अब हम एक इस टाइप की एक स्टिक लेंगे और इसके अंदर पर्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम ग्लू गन से इसके साइड में ग्लू लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम कोई भी एक प्लायर लेंगे और इसे कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने सर्कल तो ड्रॉ कर लिया है पर हमें उसका सेंटर पॉइंट भी मार्क करना है। अब हमें एक स्केल चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने एक स्केल ले लिया है। अब हम जहां पे हमारा सेंटर पॉइंट था वहां से लेकर 9.5 cm तक मार्क करेंगे। और अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ यू टाइप का बनाना है पर उसका जो दूसरा पोर्शन होगा हमें दूसरी तरफ बेंड करके बनाना होगा। और यहां से
हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे इसे। फ्रेंड्स आप शेप देख लीजिए। अब हम इसे कट करेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है शेप। ऐसा हमें और एक बनाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ऐसे टू पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमें कुछ ऐसा पीस लेना है और यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर देना है। हमें इसे कुछ ऐसे ही चिपकाना है। जिससे ये प्रॉपरली स्टैंड हो सके। ऐसा हमें इसके साथ भी करना है। कुछ ऐसे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर टेप डाल के नाप लूंगा। फ्रेंड्स हमें नाप कैसे लेना है? पहले हम एक कार्डबोर्ड का पीस कट कर लेते हैं। फिर ऐसे करके नाप ले लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये भी लगा दिया। अब हमें जैसा हमने पीछे किया था हमें वैसा ही इस वाले पोर्शन पे भी करना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसके फ्रंट में ये भी लगा दिया। अब मैं इसे पेंट करूँगा। आप चाहे तो पेंट कर भी सकते हैं या तो नहीं भी। आप देख सकते हैं मैंने इसे पेंट कर लिया है। अब हमें एक प्लेट की रिक्वायरमेंट है। हम हॉट ग्लू गन के हेल्प से इस ब्लेड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अब पेस्ट करने के बाद हम एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लेंगे इसके जितना। चलिए लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके साइज का और एक काट लिया है। अब हम इसे ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। देखिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया। हम और एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लेंगे इधर लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमें इसे कुछ ऐसे करके चिपकाना है। तो फ्रेंड्स बन गया ना हमारा टेप डिस्पेंसर। अब हम इधर टेप डिस्पेंसर लिखेंगे। देखिए अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है।
तो फाइनली हमारा टेप डिस्पेंसर तैयार हो गया है।